हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट जलेबी, जो हम घर में बहुत ही जल्दी से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फटाफट से आइए बनाते हैं इंस्टेंट जलेबी। जलेबी के लिए हमें चाहिए आधा कप दही। आपको जितना मैदा लेना है उसका हाफ आपका दही जाएगा। अगर आप दो कटोरी मैदा लेते हैं तो आपका एक कटोरी दही जाएगा, अगर आप एक कटोरी मैदा लेते हैं तो आपका आधा कटोरी दही जाएगा। आपको ये रेशियो याद रखना है, आपको जितना मैदा लेना है उसका हाफ दही जाएगा। इंस्टेंट जलेबी बनती है, बहुत ही करारी और टेस्टी जलेबी बनती है। एक कटोरी मैंने नॉर्मल, ये देखिए ये वाली कटोरी मैंने मैदा लिया, इसका हाफ मैंने दही लिया। देन इसमें एक कटोरी के रेशियो से जाएगा, इसमें एक ये वाला स्पून बेसन, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका। बेसन डालने से आपकी जलेबी बहुत कुरकुरी बनती है। एंड इसमें जाएगा एक पिंच खाने वाला सोडा, दैट्स इट। अब हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही जल्दी जलेबी बनती है ये। चाशनी मैंने बनाकर रखी हुई है, आपको चाशनी की अगर रेसिपी देखनी है तो आप मेरा पनीर जलेबा मैंने बनाया था, पनीर जलेबा चांदनी चौक स्पेशल, आप मेरे चैनल ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना यूट्यूब पे पनीर जलेबा टाइप करिए, आपको उसमें रेसिपी मैंने चाशनी की बहुत ही डिटेल में आपको रेसिपी समझाई है, आप उसमें से जाके चाशनी की रेसिपी देख सकते हैं। अगर अभी मैं चाशनी की रेसिपी बताऊंगी तो देन वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए अब इसमें जाएगा पानी। पानी का कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, एज अ रिक्वायर्ड इसमें पानी जाता है, बट हमें थोड़ा थोड़ा करके करना है। हमें ये बहुत गाढ़ा पेस्ट चाहिए, हमें बहुत पतला नहीं चाहिए, हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए। एज रिक्वायर्ड इसमें वाटर जाता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मैं आपको अभी बताऊँगी कि हमें ये कितना गाढ़ा बैटर चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं बताऊँगी कि हमें कितने हिसाब से हमारा ये बैटर रेडी चाहिए। ये देखिए, इसको हमें अच्छे से बीट करना है, मिक्स करिए बहुत अच्छे से। ये देखिए, सोडा डालते ही अपना काम इसने शुरू कर दिया है। ये हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए, ये देखिए जलेबी के लिए हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए। इसको अब हम हाफ एन आर के लिए ढककर, ये देखिए आपको ऐसा ही गाढ़ा बैटर चाहिए। देखिए मैं इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख दूंगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए ये हमारा बैटर रेडी है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको इतना गाढ़ा ही ये चाहिए। नेक्स्ट मैं इस तरीके से एक ग्लास लूंगी, मेरे पास पाइपिंग बैग है, आप किसी कपड़े में भी इसको रेडी कर सकते हैं। पाइपिंग बैग मैंने ऐसे लिया, देन मैं अपना बैटर इसके अंदर पोर कर दूंगी। मैदा और दही ऑलमोस्ट हमारे घर पे होता ही है, खाने वाला सोडा हमारे घर में होता ही है, तो हम ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट जलेबी हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से ये रेडी कर लिया। अभी मैं इसको काटूंगी तो ये एयर इसकी निकल जाएगी। अभी मैं इसको एक साइड में रखती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं आपको बताती हूँ जलेबियाँ कैसे उतारनी है। इस तरीके से राउंड राउंड आप, एक छोटी छोटी, मुझे पतली पतली जलेबियाँ पसंद है, इसीलिए मैंने इसको आगे से जो मैंने कट किया था बहुत छोटा किया। आपको मोटी पतली जैसे पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए हमारी जलेबी तैर के ऊपर आ रही है। इस समय थोड़ा सा मैं तेल का जो गैस की फ्लेम है वो हल्की सी मैं सिम कर दूंगी। आपका तेल या ऑयल इतना होना चाहिए, आपका ऑयल या घी इतना होना चाहिए कि ये आपकी जो जलेबियाँ हैं वो फ्लोट होके तैर के ऊपर आ जाए इस तरीके से। हमें इनको ज्यादा हिलाना नहीं है, ये अपने आप ही तैर के ऊपर आ जाएंगी। एकदम कुरकुरी जलेबी बनती है। आप चाहे तो इस जलेबी के बैटर में हल्का सा रंग डाल सकते हैं, आप केसर डाल सकते हैं, केसर से थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाता है।
ये देखिए कितनी गोल गोल कितनी सुंदर हमारी जलेबियाँ फ्राई हो रही हैं। ये देखिए जलेबी होने के बाद मैंने इसको चाशनी में डिप किया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक चम्मच की सहायता से झर की सहायता से डिप करूँगी। ये थोड़ी देर में चाशनी सोक कर लेंगी, फिर मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि जलेबियाँ कैसी बनी हैं। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ जलेबियाँ। ये देखिए चाशनी में जलेबी है, मैं एक एक जलेबी आपको निकाल के प्लेट में लगा के दिखाती हूँ। हमारी जलेबियाँ कितनी क्रिस्पी और जूसी एंड गर्मा गर्म जलेबी इंस्टेंट आप दे देखिए। छोटी छोटी केसर वाली जलेबियाँ रेडी। है ना इजी घर पे बनाना जलेबियाँ। दिस इज योर जलेबी रेडी।